कई बार मुझे राजस्थान की विधानसभा से बाहर निकाला, कई बार मार्शल पकड़ के ले जाते, कई बार सस्पेंड किया, लेकिन मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकी सरकार। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को भाजपा और कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। मैंने कहा मैं मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, मैं कौन सी लड़ाई लड़ूं जिससे लोग 36 कौम का नेता मुझे कहे, लोग ये कहे कि हनुमान राजस्थान को बचाने के लिए निकला है। भाइयों मैंने कहा रोड टैक्स देते हो, सेस लगाते हो तो टोल टैक्स इस बात का, टोल फ्री राजस्थान हो। ये मामला कांग्रेस भाजपा ने नहीं उठाया, हनुमान बेनीवाल ने। रुकार नागौर की धरती से भरी थी और बाड़मेर सीकर बीकानेर पहुंचा, उससे पहले स्टेट हाईवे राजस्थान की सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिए थे। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस राज्य के लोगों का शोषण कर रही है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सांडवा में किसान रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह समय लोगों को समझदारी से काम लेने और दोनों दलों को सत्ता से बाहर रखने का है। चूरू जिले का सुजानगढ़ उन चार विधानसभा क्षेत्र में से एक है जहां उपचुनाव होने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल ने किसान, युवाओं, गांवों और गरीबों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोगों से आगामी उपचुनाव में मतदान करने का आग्रह किया। कि आप लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन नहीं कर सकते, आज जयपुर की सड़कों में हर तरफ आंदोलन नजर आएगा। भाई कितना बड़ा दुर्भाग्य कि आरपीएससी के अंदर किसी बहुत बड़ी साख देश के अंदर हुआ करते थे, ऐसे चोर को लेकर के बिठा दिया जिसने हमारे फोन टेप किए थे, भूपेंद्र यादव को जो डीजी था राजस्थान का, आपका दूसरा बीएल जाता है भागा, 13 भर्तियों के पेपर लीक हुए, भर्तियां अटक गई, संविदा कर्मी नियमित होने के लिए सरकार तरफ ट्रैक्टर लगा लेते थे, कब विधानसभा आएगी, कभी कोई मंत्री कोई बयान दे देता, कभी कोई मंत्री कोई बयान दे देता, बच्चों की इच्छा अरमान मन के अंदर नौकरी वाला दामाद होना चाहिए, और हर आदमी चाहता है कि नौकरी वाला होगा तो मेरी बेटी भी सुख पाएगी, वो अपनी जगह सही है, लेकिन सरकार ये थोड़ी सोचती है। मैं तो आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रदेश की आन बान शान को बचाने के लिए, 36 कौम को साथ लेके एक नए राजस्थान के निर्माण के लिए हमेशा तत्पर है, कटिबद्ध है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर ईस्टर्न कॉर्नर का मुद्दा किसी ने उठाया, उन 13 जिलों में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, दौसा चले गए तो तमाम उस सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके उन 13 जिलों के अंदर सिंचाई की व्यवस्था करे, ये मुद्दा हनुमान बेनीवाल उठाता है। मैं कहता हूँ कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, अरावली की पर्वतमालाएं, चंबल के भी रेगिस्तान का मरुस्थल और भारत पाकिस्तान की सीमाएं, ट्राइबल बेल्ट, सूखे इलाके, मैदानी इलाके, राजस्थान में सारे मापदंड पूरे करता है जो विशेष राज्य के लिए आवश्यक है। लेकिन भाइयों राजस्थान की बेरोजगारी यहाँ के नेताओं ने नहीं कही, कोई मोदी जी की जय बोलता है और कोई सोनिया की जय बोलता है, इस राजस्थान की जय कोई नहीं बोलता। अगर आपकी जय को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बोलता है, हनुमान बेनीवाल बोलता है कि मैं राजस्थान को मुझे बचाना है, मेरे राजस्थान के नौजवानों को रोजगार के साधन मिले, 4 लाख खाली पद भरे जाए, बेरोजगारी भत्ता मिले, कानून का राज राजस्थान के अंदर, हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं है। आज दिन जो घटनाएं हो रही है और घटनाओं के बाद जो फैसले आते हैं, मैं कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देता, लेकिन जो कोटा के रुद्राज बालक की हत्या हुई थी उसमें हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, क्या करोगे उसको जिंदा रखे, जिस आदमी ने मासूम बच्चे निर्ममता से मारा, तब पूरे राजस्थान और देश के अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था, हर कोई कह रहा था कि हत्यारा हमारे हाथ आ जाए हम उसको खुद मार दें। उन्होंने एक बयान में कहा कि सत्ता में आने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों मिली भगत से काम करती है और राज्य के लोगों का शोषण करती है, ऐसे में लोगों को दोनों पार्टियों से सत्ता दूर रखने के लिए बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता, किसानों का कर्जा माफी सहित कई दर्जनों वादों से मुंह मोड़ दिया, अब वह लोगों को शोषण करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।
कपड़ा क्या, मुजरिमों का अंदर खींचने का कोई काम क्या, अलवर के अंदर दलित युवती का जो वीडियो थाना गाजी के अंदर वायरल हुआ उसमें हनुमान बेनीवाल दोषा जाता है और दो मुकुट में हनुमान बेनीवाल को दर्ज होता है। आप लोगों के लिए मैं सिर्फ सैकड़ों उदाहरण राजस्थान के अंदर बता सकता हूँ कि पिछले 20 साल के अंदर इतनी लड़ाई लड़ी है कि मुझे खुद को भी याद नहीं, लेकिन मैंने मेरी पीड़ा कभी आपको नहीं बताई। आपकी पीड़ा दूर करने का प्रयास किया है और खुद की पीड़ा या तो शाला सर बालाजी को बताता हूँ या तेजा जी महाराज को या ऊपर वाले तीन भगवानों को मानता हूँ। मैं उनके सामने झुके जरूर करता हूँ कि मुझे हिम्मत देना, हौसला देना, मेरी कोई छोटी लड़ाई नहीं है। जिस वसुंधरा को ऑटोग्राफ लाने के लिए दुनिया भागती थी उस वसुंधरा को मैंने मेल में कैद कर दिया और वसुंधरा की यह हालत हो गई, हर कोई मिस कॉल दे दो वापस फोन आ जाएगा।